आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट में नितिन कुमार। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर कल सुनवाई पूरी हो गई थी और आज फैसला आना था। सबको उम्मीद थी कि अब एक नए सिरे से या तो इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी और जिन याचिकाओं को दाखिल किया गया था उन याचिकाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, सुनवाइयां चलेंगी। फिलहाल आज भी इस पूरे मामले पर फैसला नहीं आया। 26 तारीख को बताया जा रहा है कि 2 बजे या 2:30 बजे तक एक बार फिर से कोर्ट परिसर में फैसला सुनाया जा सकता है कि आखिर अब आगे की रणनीति कैसी होगी और किस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। कई सारी याचिकाएं इस पूरे मामले को लेकर के पड़ी हैं। एक लंबे समय से घमासान मचा हुआ है गौरी श्रृंगार मंदिर को लेकर के और ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के, और लगातार जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं। फिलहाल कल सुनवाई होने के बाद आज जब फैसला सुनाए जाने का समय आया तो उस दौरान कोर्ट ने यह कहा कि अब हम आने वाली 26 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे और ये बताएंगे कि अब आगे इसकी हियरिंग किस तरह से होगी, क्या उन याचिकाओं पर होगी। यार, जो 7 Rule 11 का हवाला 1991 एक्ट का हवाला दिया जा रहा था, हम उसके आधार पर आगे की कार्रवाई को करेंगे, इसका पूरा जिक्र जो है वो कोर्ट में किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह से पक्षकारों की तरफ से जो साक्ष्य और जो फोटोग्राफ्स, जो वीडियोस संकलित किए गए हैं, उनकी मांग की गई थी कि वो दिए जाएं और उसके आधार पर हम अपनी स्टडी कर सके, तो वो भी कोर्ट ने कहा है कि वो पक्षकारों को दिया जाए और कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आने वाले 7 दिनों में वो अपना जो कमेंट है वो कोर्ट में दाखिल करा दे। 26 तारीख को फैसला आएगा कि आगे अब इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, किस तरह से होनी है, क्या होना है या नहीं होना है। लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो राजनीति है वो गर्माई हुई है। एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अभी आज ही बयान दिया है और साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जब किराएदार और मकान मालिक के बीच में विवाद होता है तो कोर्ट में किराएदार कितनी भी दलीलें पेश कर ले, फैसला जो होता है वो मकान मालिक के हक में ही आता है। और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था कि हम बाबरी वाला कांड नहीं दोहराने देंगे, आज भी उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा है कि 1991 का जो कानून बनाया गया था उस कानून को दिमाग में रखा जाए और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाइयां हुए। फिलहाल मैं इस चर्चा को शुरू करूंगा। आज का मुद्दा बहुत अहम है क्योंकि हमारी और आपकी धार्मिक आस्थाओं से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। लगातार इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं काफी विवाद चल रहा है, कई सारी याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, कई सारे बयान आ रहे हैं, लेकिन एक अहम चीज है जिस पर नजर डाल लेना और समझ लेना बहुत जरूरी है, वो ये है कि बाबरी का जो विवाद था उस दौरान राम मंदिर और बाबरी को लेकर के एक विवाद लंबे समय तक चला, फैसला आया आखिर में वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन ज्ञानव्यापी मस्जिद, वो जगह जिसके ठीक बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके अंदर गौरी श्रृंगार माता का मंदिर, नंदी महाराज की मूर्ति, ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं वहां पर एक बड़ा राज दबा हुआ है। फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस बात का जिक्र लगातार चल रहा है कि वहां पर शिवलिंग नहीं है, वहां पर फब्बारा है, लेकिन जो वीडियोग्राफी, जो साक्ष्य संकलित किए गए हैं उनके आधार पर कहीं ना कहीं अब कोर्ट ये तय करेगा कि आगे कैसे इस पूरी प्रक्रिया को बढ़ाना है। आप बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस चर्चा को शुरू करता हूँ। एक किराएदार किसी भी विवाद में मकान मालिक को माननीय अदालत को गुमराह कर सकता है, लेकिन अंततः फैसला हमेशा मकान मालिक के पक्ष में ही आता है। और जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा, क्या बोला कांग्रेस ने, क्या राहुल गांधी ने बोला, क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला, किसने बोला, फिर क्या नाम था बोलने वाले का, क्या नाम था बोलने वाले का, क्यों बोला वो, इसलिए कि भारत का ये हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, 91 का कानून है और कोई मस्जिद को मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता। ने कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष का ये है कि पोषणीयता पे पहले सुना जाए 7-11 पे, तो कोर्ट ने उस पर ऑर्डर पास करते हुए कहा है कि पहले 7-11 पे सुन लिया जाएगा, साथ ही साथ जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर भी आपत्ति मंगाई है, 1 हफ्ते का समय दिया है उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दोनों पक्षों को, और जो हमारी मांग थी सीडी और फोटोग्राफ्स की उसको भी कोर्ट ने कहा है उसको भी सुना जाए, उसको भी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, और तीसरी जो हमने वीडियोग्राफी और सीडीग्राफी की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की मांग की थी उस पर भी कोर्ट ने कहा है कि हम आदेश पारित करेंगे, उसके बाद आप उसकी कॉपी ट्रेजरी में जमा करके ले सकते। कल जो सुनवाई हुई थी सारे पक्षों को, सभी पक्षों को सुना था
माननीय न्यायालय ने आज अपना निर्णय दिया है कि जो है 7 रूल 11 पर हम सुनवाई 26 से सुनना शुरू कर देंगे। उसके बाद उन्होंने एक सप्ताह का समय दिया है कि जो कमीशन रिपोर्ट आई है उस पर सभी पक्षकार अपनी आपत्ति एक सप्ताह के अंदर दे सकते हैं। और हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था कि हम लोगों सारे साक्ष्य कमीशन रिपोर्ट के चीफ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी उपलब्ध कराएं, उस पर भी न्यायालय ने कहा है कि हम व्यवस्था उसको बना के उपलब्ध करा देंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान है वो हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर लगातार कई सारी याचिकाएं पहले पड़ी थी। गौरी श्रृंगार मंदिर में रोज पूजा करने की याचिकाएं पड़ी थी, पहले भी कई बार इसको खारिज किया गया, उसके बाद इस याचिका को एक्सेप्ट करके इस पर सुनवाई की गई, और उसके बाद मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से 1991 एक्ट का हवाला दिया गया जिसमें 7 रूल 11 या फिर 7/11 का हवाला दिया गया, और ये कहा कि 100 साल से ज़्यादा अगर कोई भी धार्मिक स्थल है, चाहे वहाँ पर पूजा होती हो या फिर नमाज होता हो, ऐसी जगह की याचिका अगर आती है किसी भी विवाद को लेकर के, तो उसे एक्सेप्ट ना किया जाए। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि जो वजू खाने के ऊपर कोर्ट की तरफ से कार्रवाई की गई है उस पर भी एक बार कोर्ट को सोचना, विचार विमर्श करना ज़रूरी है, और इस याचिका को एक्सेप्ट ना किया जाए। लेकिन अब कोर्ट आगे क्या करेगा इस पर हम देखते हैं। फिलहाल सभी मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, मिसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, गजेंद्र त्रिपाठी जी स्वर्ण महासंघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आमिर साबरी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हैं, शेख ताहिर सिद्दीकी हमारे साथ नागरिक एकता पार्टी से हैं, और विकास मिश्रा जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु के रूप में हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज सबको उम्मीद थी कि कुछ फैसला आने वाला है, लेकिन अब 26 तारीख पर ये टाल दिया गया है कि 26 तारीख को बताया जाएगा कि आगे की क्या रूपरेखा होगी। क्या था पूरा मामला और अब 26 तारीख को क्या लगता है कि क्या हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। सबसे प्रमुख चीज है, इस देश को समझना चाहिए कि मुस्लिम पक्ष अपनी बात कह रहा है कि पहले आदेश 7 रूल 11 को सुन लिया जाए, ठीक है। ये आखिर है क्या जी? समाज राष्ट्र ये जानना चाहता है कि आखिर ये कौन सी कानून की विधि है, क्या व्यवस्था है कि इस पर ही बार बार, और हिंदू पक्ष भी ये चाहता है कि इसको निश्चित तौर से सुन लिया जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि यह विधि व्यवस्था कहता है कि कोई भी सूट यदि विधिक मान्यताओं के अनुसार नहीं है, माने विधिक से बाध्य है, कानून से बाध्य है, माने वो कहता है मुस्लिम पक्षकार इसलिए इस पर आए हैं कि वो ये कह रहा है कि हिंदू पक्ष किसी हालत में न्यायालय में आ ही नहीं सकता। ये मुद्दा है 7 रूल 11 को मैं थोड़ा सा वो कर दूं, एलेबोरेट कर दूं। वो ये कहता है कि यह विधि व्यवस्थाओं से बाधित है, तो विधि व्यवस्था से अगर कोई चीज बाधित है तो वह व्यक्ति कभी कोर्ट में आ ही नहीं सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको यहां पे सुन ही नहीं सकते, इसलिए नहीं हम सुन सकते कि चूंकि ऑलरेडी जिला न्यायालय में, जिसको हम कहते हैं कि सीनियर डिवीजन में, सीनियर डिवीजन में केस पेंडिंग है, तो पेंडिंग है तो वहां आप जाइए और वहां आप इसको कहें। तो उन्होंने कहा कि हमें भरोसा नहीं है, तो अच्छा कहे ठीक है, हम आपको आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि जिला न्यायालय में इस चीज को सुना जाएगा, और जिला न्यायालय 7 रूल 11 पर सुन रहा है, ठीक है। उसने कहा कि अगली सुनवाई पे हम इस पे सुनेंगे, लेकिन जिला न्यायालय ने क्या बोला? जिला न्यायालय ने आज भी कहा कि जिनको वहां की वीडियोग्राफी का डिटेल लेना हो, फोटोग्राफी का डिटेल लेना हो, जो डॉक्यूमेंट लेना हो, वो ले सकते हैं और उसको जमा करा भी सकते हैं, अगर कोई नया प्रूफ आप देते हैं तो। हाँ, और जिसको इस मुद्दे पर ऑब्जेक्शन, देखिए अगर उनको, उनके दिमाग में ये होता कि 7 रूल 11 यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो कभी नहीं ये कहते कि आप इस विवाद में आए और जो भी आप सबूत देना चाहते हैं उसको दे दें, या जो यहां से आप कॉपी लेना चाहते हैं आप ले लें, क्योंकि 7 रूल 11 के बाद मुकदमा बंद हो जाएगा। ठीक है, आमिर साबरी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हैं।
आमिर साहब, सेवन रूल इलेवन के बारे में त्रिपाठी जी ने भी बताया है और ये भी बताया है कि किस तरह से आप लोगों की तरफ से लगातार 1991 एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, वर्शिप एक्ट। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 26 तारीख को आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है, क्योंकि अब तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो साक्ष्य कमिश्नर की तरफ से मुहैया कराए गए हैं वो भी आप लोग ले लो, जो ऑब्जेक्शन है आप लोग दे देना हमें। क्या है आगे की रणनीति, कैसे क्या होने वाला है? ये मसला ये कि 5 राज्यों को चुनाव होना है और उसके बाद मात्र 1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके तहत ये मुद्दा उठाया गया। ये चुनावी स्टंट के सिवा कुछ नहीं है। और आप 26 का कह रहे हैं, आज जैसे फैसला होना था 26 को भी नहीं होगा, फिर नई डेट दे दी जाएगी। ठीक वही इसी तरह होगा कि जिस तरह बाबरी मस्जिद का मामला खींचा गया और ये उसके सहारे प्रचंड बहुमत में आ गए। मतलब का उठा करके इसके सहारे 24 में और 5 राज्यों में इन्हें चुनाव होने हैं, वहाँ इनको बहुमत में आना है। कुल मिलाकर के सारी स्थिति इसी पर डिपेंड करती है। और रहा सवाल कानून का, देखिए भाई साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है कि इन्होंने बाबरी मस्जिद पे कैसी घिनौनी राजनीति करी। सैकड़ों हिंदू सैकड़ों मुसलमान इन्होंने मरवाए, पूरी अराजकता फैलाई। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम न्यायालय का आर नहीं थी, उस वक्त न्यायालय का मामला था, न्यायालय का नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस कानून की और जिस संविधान जिसका अरे भाई सरकार ने उस टाइम जो सरकारें थी उनकी भी राजनीति थी, हिंदू मुस्लिम करो राज करो फूट डालो, मौजूदा सरकार है उसकी भी राजनीति यही है, उसका भी मतलब यही है, फूट करो राजनीति करो और राज करो। कुल मिलाकर के सच्चाई ये, तो इन्होंने तो बाबरी मस्जिद का ऐसा तो है नहीं कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा न्यायालय में नहीं था, न्यायालय में था ना, उसके बाद फैसला आया, लेकिन 1949 से चला और 86 में ताला खोल दिया गया। 86 के बाद साबरी साहब का थोड़ा ऑडियो बढ़ाया जाए, इतना मुद्दा गरमाया गया कि आज जो स्थिति हो गई कि मंदिर के हक में पूरा कोर्ट ने फैसला दे दिया और ये कह दिया लिखित में दे दिया कि ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो। देखिए पूरे देश ने देखा, ये मैं अपनी तरफ से, लेकिन ये जो साक्ष्य मिले क्योंकि आज भी सुनने साबरी साहब सुनने में आज भी सुनने में आया जब बाहर वकील लोग निकले थे या पक्षकार लोग निकले थे तो वहां पर भी भोलेनाथ के जयकारे लग रहे थे। और ये भी सुनने में कई दिनों से आ रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए हैं या फिर जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हुई है वहां पर कई सारे ऐसे चित्र या फिर कई ऐसी मूर्तियां या कई ऐसे जो चीजें हैं वो निकल कर आई हैं जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। भाई साहब अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई, यही तो इनका कहना है। इसका जवाब त्रिपाठी जी देंगे। मैं सवाल करता हूँ गजेंद्र त्रिपाठी जी से कि औरंगजेब बेवकूफ था कि उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, शिवलिंग सुरक्षित छोड़ गया, टूटी मूर्तियां छोड़ गया, स्वास्तिक चिन्ह छोड़ गया, बाबा जी के डमरू छोड़ गया, हम क्या मजाक बना रखा है आस्था को, इन्होंने मजाक बना रखा है। जब कोई बात हम संवैधानिक कहते हैं तो इनको मजाक लगता है, ये मजाक नहीं है, आप बताइए। ठीक है, मैं जवाब ले लूं, त्रिपाठी जी जल्दी से जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप तो न्यायालय में आज की डेट में यहां हैं, यहां खड़े हैं आप इस लेवल पे, आप न्यायालय में आज की डेट में यहाँ खड़े हैं, आप सेवन रूल इलेवन की बात करते हैं। न्यायालय में 1885 में भी खड़े थे, 1886 में भी खड़े थे, आपकी बात आप न्यायालय की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है, आप तो बस आस्था की बात करिए, आस्था आपके मुंह से आस्था नहीं है, वहाँ कोई आस्था विषय नहीं है, वहाँ कानून के अंदर आप आज की डेट में न्यायालय में हैं, आस्था ही विषय है। पक्षकार दोनों न्यायालय में है, हमारी आस्था का सवाल है, अरे आप मेरी आस्था का सवाल है, कानून की संविधान की आपने मानी नहीं, नहीं, नहीं आज आप कानून संविधान के बहुत बड़े रक्षक बन रहे हैं। अगर ये आस्था होता, मेरी बात सुनिए, अगर आस्था होता तो इस देश में आस्था से ऊपर इस राज्य इस देश का कानून है, संविधान है, और हम और आप दोनों लोग आज न्यायालय के शरण में हैं। अरे भाई आपने कहां माना, कौन तो जब आपके हक में फैसला चला गया, अगर आस्था की बात मानी तो शबरीमाला में आपने क्यों नहीं माना, मैं क्या कह रहा हूँ, शबरीमाला में आपने माना, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर बैठ कर, अरे कहाँ माना आप बताइए, कहाँ माना आप, चूंकि 1885 का फैसला आपने माना, ये दिमाग में बैठा लेंगे, वैसे नहीं होगा, तो बाबरी मस्जिद का था ही नहीं, देखिए बताऊँ, अरे ये तो राजनीतिक कुत्ते थे, ये इसका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, आप क्या कह रहे हैं वहाँ पर, अरे सुन लीजिए, जिस तरीके का ज्ञान बाबरी मस्जिद का मामला आपने बना दिया, आप मेरी बात समझिए, ज्ञान बाबरी मस्जिद का मामला भी 2005 में माननीय मुलायम सिंह जी ने एक दिन की कोर्ट में प्लीज ठीक है हो गया, आप लोगों का हो गया, मैं आऊंगा। चंद्रमोहन चौबे हमारे साथ बीजेपी से हैं। चौबे जी,
साबरी साहब कह रहे हैं ये सब चुनाव उनाव की वजह से हुआ है, पांच राज्यों के चुनाव होने हैं, लोकसभा का चुनाव होना है और इसी को लेकर के आप लोगों की रणनीति बनाई गई है, तारीख फिर पड़ेगी और पड़ती जाएगी। देखिए एक जो है श्लोक है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। इसमें ये बताइए, इसमें जो लोग गए हैं, जो लोग न्यायालय में गए हैं, वो भाजपा के नेता हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं? वो ना तो भाजपा का नेता ना भाजपा का कार्यकर्ता है। हाँ वो महादेव जी के भक्त हैं, वो गौरी जी के भक्त हैं, वो नंदी जी के भक्त हैं। और इस देश में संविधान ने और कानून ने सबको अधिकार दिया है कि वो अपनी बात जाकर न्यायालय में कानूनी रूप से व्यवहारिक रूप से रख सकता है। तो ये जो न्यायालय में जो लोग भी गए हैं वो सब भक्त गए हैं, न कि भाजपा के कार्यकर्ता गए हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने, कह रहे हैं कि उस समय भी जो सरकार थी वो भी हिंदू मुस्लिम करती थी, अभी वाली भी कर रही है। अभी ये प्रश्न आएगा, ये प्रश्न जो है अभी हम यही तो सरकार नहीं देंगे। अभी हमारे भाई जो है सपा से हैं, उस समय सरकार गोलिया जो चली थी, अब यही बताएंगे उसका उत्तर ये अच्छी तरह से दे सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, गोली चलवाकर राम भक्तों पर क्या राजनीति की थी, क्या किया था, ये अच्छा उत्तर देंगे। लेकिन अभी जो मामला है वो देखिए वो क्या है, वो न्यायालय का मामला है, वो जो है संविधान का मामला है। संविधान के तहत मिले अधिकार तो अपने कानूनी रूप से न्यायालय में लोग गए हैं, भक्त गए हैं, वो महादेव के भक्त गए हैं, ठीक। उसके बाद न्यायालय ने फिर संज्ञान लिया, न्यायालय ने जो है इस पर पूरी जांच कराई, चाहे वीडियोग्राफी हो वो पूरा मामला, फिर इन लोग गए सुप्रीम कोर्ट गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी न्यायालय वो मामला पूरा जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया, उनको सौंप दिया कि आप इसको देखिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पर पूरी तरह से क्या मामला चल रहा है, न्यायिक मामला चल रहा है, न्याय के आधार पर सबको जो मिला है इस देश में। चुनाव नाव कहाँ से ले आए उसमें? नहीं मैंने अभी आपसे क्या कहा, इन लोगों को हर समय चुनावी दिखता है, इनको हर समय जो है ये बताइए, भारतवर्ष में हर महीने जो है एक चुनाव है, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे जो है वो आपका नगर निगम का हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, कभी उपचुनाव, कभी आम चुनाव होता है। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि जो बेचारे जो महादेव के भक्त हैं या प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं या प्रभु श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, वो अपनी आस्था छोड़ दें कि भैया चुनाव चल रहा है इस देश में, हम जो हम भगवान जी की पूजा नहीं करेंगे, हम हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था नहीं रखेंगे, हम जो है पूजा याचना करना सब बंद कर देंगे, हम जो है श्री कृष्ण जी को नहीं मानेंगे। क्यों इसलिए नहीं मानेंगे? क्योंकि देश में चुनाव चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज मैं समझा दी हमारे साथ सपा से मिसम भाई, आप लोग कहते हो इसमें राजनीति ना करो, और देखिए साबरी साहब खुद कह रहे हैं कि राजनीति की वजह से ये सब जन्मा है, कितना तारुफ रखते हैं इनके बयान से। नितिन जी ये हर आदमी का अपना व्यक्तित्व है, साबिर जी क्या कह रहे हैं हम उनकी बात को कोड नहीं करेंगे। चौबे जी कुछ अभी बता रहे थे कि सरकार हमको, चौबे जी ने जो बात कही है चंद्रमोहन जी ने, हम उस बात से स्टार्ट लेंगे। और पिछले एक हफ्ते से ज्ञानवापी के ही ऊपर हम काफी दिनों से डिबेट करते चले आ रहे हैं, इसलिए बहुत हल्के मन से हम बात करना चाहेंगे कि चौबे जी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुने। देखिये जो गोली चलाने की बात आई, ये दुखद घटना थी, जाहिर सी बात है कि कोई भी हो, इंसानियत मारी गई, हिंदू मारा गया, मुसलमान मारा गया, इससे मतलब नहीं, इंसानियत मारी गई, एक इंसान मारा गया। मैं पूछना चाहता हूं जब यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब बिगड़ी, उस हालत में पब्लिक को रोकने के लिए वहां पर इस तरह से जो गोलाबारी की गई, वो एक दुखद घटना के साथ साथ एक काली दिन भी, काला दिन भी उसे कहा जा सकता है, बिल्कुल मानते हैं। अगर इसी तरह से ज्ञान व्यापी में जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अगर किसी तरह से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है और पब्लिक कोर्ट को ना मान करके बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञान व्यापी को भी विध्वंस करना अगर चाहेगी, तो चौबे जी की सरकार है, मैं चाहूँगा कि ये बिल्डोजर या गोली चलाएंगे कानून को रोकने के लिए। ये वहाँ पर कानून का राज
और संविधान और गणतंत्र जो देश का हमारा लोकतंत्र है संविधान, इसको बचाने के लिए क्या कहेंगे? क्या ये कह करके आस्था के लिए छोड़ देंगे कि भाई कार सेवक हैं और भोलेनाथ जी के भक्त हैं लिहाजा इनको जो करना है वो करने दो? क्या चौबे जी जवाब देंगे? मेरी बात सुन रहे हैं ना, बहुत आराम से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सोच लीजिए, क्या इस बात का जवाब देंगे कि जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि अभी आपने ये कहा कि संविधान से बड़ा देश में कुछ भी नहीं है। अभी हमारे गजेंद्र त्रिपाठी जी ने भी ये बात को कोट किया कि संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये बताइए कि संविधान को बचाने के लिए जब हम अपनी जानें दे देते हैं और हम यही कसम खाते हैं, यही ओथ लेते हैं, जो भी अधिकारी वहाँ पर खड़ा है वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहले वो यही शपथ लेकर के वर्दी पहनता है कि मुझे कानून का राज स्थापित करना है और मुझे अपने संविधान के तहत देश की रक्षा करना है। तो उस पीरियड में ना वो अधिकारी हिंदू हुआ, ना वो अधिकारी मुसलमान हुआ, ना वो अधिकारी क्रिश्चियन हुआ, और वो आदमी ने अपनी जान को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए अगर वहाँ पर गोली चल गई तो ऐसा उस बात को बार बार कुरेद करके ये बात जो छेड़ी जाती है कि समाजवादी समाजवादी, अब उसी बात को मैं पलट करके भी एक बात अभी जो इन्होंने कही मैं उसको कोट करता हूँ कि शिव जी के भक्त की बात कही कि वहाँ पर ना बीजेपी गई, ना समाजवादी गई, ना हिंदू गया, ना मुसलमान गया। मेरी बात को गौर करिएगा नितिन जी, बहुत ध्यान से। वहां पर शिव जी के भक्त गए, बिल्कुल गए भाई, भक्त हैं, जाएंगे अपनी बात को लेकर के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 100 साल 200 साल 500 साल के बाद ये भक्ति किसने जगाई? अगर हम कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जहां नशे में पानी मरने लगता है आपको मिर्ची लगने लगती है। भाई ये कहीं ना कहीं से प्लान हुआ, कहीं ना कहीं से इनको पुष्ट पनाही मिली जिसकी वजह से इनकी भक्ति जागी। इतने 5 सालों के बाद, बस एक बात और मैं करना चाहता हूँ, 500 सालों के बाद इनकी भक्ति जागी। अच्छा चलिए ठीक है, भक्त के लिए नहीं कहना चाहिए, भक्त की भक्ति अगर खुद से भी जाग गई तो अच्छी बात है, मगर इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दे में शामिल करके जिस तरह से अभी पिछले चुनाव में कि जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कहीं ये नारा 2024 में ना बन जाए जो शिव जी को छुड़ाए हैं फिर से हम उनको लाएंगे। तो ये आप अपना छुड़ाओ बचाओ ना करो, ये कोर्ट के ऊपर छोड़ दो। अगर कसम खाओ यहां पर बैठ करके कि ये नारा नहीं लेंगे, आप ये नारा क्यों लेते हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शेख ताहिर शिव से बड़ी पार्टी है। चौबे जी आओ, सबकी सुन लीजिए फिर आता हूं आपके पास। शेख ताहिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। ताहिर भाई, ये एसपी सिंह बघेल हैं, केंद्र में मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने एक बयान दिया है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच जब विवाद होता है तो अक्सर कोर्ट जो है वो मकान मालिक की बात ज़्यादा सुनता है और किराएदार को हटना ही पड़ता है। इस बयान को मैं और आप किस नज़र से देख रहे हैं, मैं किस नज़र से देखूँ, ज़रा इसके बारे में बताइए। हालाँकि ये बयान ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ा ही हुआ है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो एसपी बघेल साहब ने जो ये बयान दिया है, क्योंकि मुसलमानों को ये दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं और भारत का किराएदार समझते हैं, ये इनकी मानसिकता है और इस मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति, विकास भाई सुनिएगा जवाब, आप ये बताइए इस मानसिकता से जो है ग्रस्त व्यक्ति जो है क्या जो है मुसलमानों के बारे में सोचता है? आप ये सोच लीजिए यहीं पर कि जो है ज्ञान व्यापी का मामला, जो आप इस पे कई बार आप डिबेट कर चुके हो, मैं कई बार ये बात बता भी चुका हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है पक्षकार नहीं है, भक्त लोग पक्षकार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ही वो भक्त हैं। और आज जब ये मामला सब कुछ देश के अंदर शांतिपूर्वक चल रहा था, 1991 एक्ट बन चुका था, तो ये पिटीशन दाखिल करने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चीज जानती है कि हमें राजनीति अपनी किस तरीके से करनी और क्या राजनीति में धार देनी है जिससे मैं लगातार सत्ता में बना रहूं। और आज जो एसपी बघेल साहब का जो ये बयान आया किराएदार और मकान मालिक का, तो किराएदार ये मुसलमान को कह रहे हैं और मकान मालिक अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन एसपी बघेल साहब को ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की आजादी में जितना आपका योगदान है उससे कई गुना ज्यादा मुसलमानों का भी योगदान है। तो यहाँ भागीदारी हिस्सेदारी की बात मत करिए, और इस देश के हम किराएदार नहीं है, इस देश के हम खुद मकान मालिक है, इस देश से वफादारी हम लोग करना जानते हैं। और ये जो तरीके से कंट्रोवर्सियल जो बयान दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ जो है देश के अंदर एक माहौल खराब करने जैसा
माहौल पैदा करना है। अच्छा, और एक चीज और है, एक डिवाइड एंड रूल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने की आदत है, वो डिवाइड एंड रूल। एक चीज और है ताहिर भाई, 26 तारीख की तारीख पड़ी है कि 26 तारीख को फैसला आएगा, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये बात तो मान ली कि भैया ऐसा है जो साक्ष्य आए थे उनको ले जाओ, उसमें देख दाख लो, अगर कुछ कमेंट वमेंट है तो वो अपना उसमें सबमिट करो उसको, तो इससे तो ये लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से कुछ चीजें एक्सेप्ट करी गई हैं हिंदू पक्षकारों की। न्यायपालिका का काम ही है कि दो पक्ष अगर हैं और एक पक्ष के अंदर कोई रिपोर्ट आई है तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और देखना भी चाहिए, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन सत्यता तो कोर्ट ही बाद में बताएगी ना, सही चीज क्या है गलत क्या है, ये तो अभी पूरी तरीके से अभी कोर्ट के ही गर्भ में है ना। कोर्ट जो अपना स्टेप ले रही है और जो अगली सुनवाई होगी उसमें बताएगी, तो रेगुलर जो ये के बारे में जो बात की जा रही है, मैं तो ये भी कहूंगा कि जब कोई मामला न्यायपालिका में पड़ा है तो हमें और आपको ज्यादा कोई राय कायम करने की जरूरत नहीं है, और हर आदमी को सही हुई बात है और किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो पाए, तो खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, जिस तरीके से अभी से माहौल क्रिएट कर दिया कि जो है महादेव मिल गए, ये आस्था का विषय है, महादेव से आप मोहब्बत करो, और हमारा दीन और हमारा कुरान भी ये कहता है दीन को बलिए दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक, इस वजह से ये कोई जो है विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी कोर्ट ने ये नहीं किया कि महादेव मिले कि नहीं मिले, और आप जबरदस्ती जो है महादेव मिल गए। ठीक, मैं जवाब दूंगा, जो है माइंड सेट करना भी गलत। ठीक है विकास मिश्रा, सुना आपने ताहिर भाई ने क्या कहा, क्या कहेंगे? नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही थी। इन्होंने कहा कि अभी से चीजों को क्यों बना दिया गया, ये चीजें क्यों क्रिएट कर दी गई कि महादेव मिल गए या बाबा मिल गए, जब तक अभी तक तो कोर्ट में ही सब कुछ चल रहा है, क्यों इस चीज को सेट कर दिया गया, ये माइंड सेट क्यों लोगों के दिमाग में कर दिया गया है? जी हाँ, तो पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो चीजें बाहर आई है, जो लीक हुई है, उससे अगर ना भी जाए तो जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस तरीके से आपने 1991 के एक्ट का हवाला देना शुरू किया, उससे पहले कहीं आपने दर्शा दिया कि वहां पे बाबा भोलेनाथ पाए गए, मतलब कोई डर आ गया था मन में, बिल्कुल इनके अंदर डर आ गया, क्योंकि ये एक्चुअल में जानते हैं, ये सच्चाई जानते हैं, और ये इतिहास बताता है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा, उसमें ये भी शामिल था और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, तो इसलिए ये सत्यता उनको भी मालूम थी। दूसरा, अभी एक हमारे मुस्लिम स्कॉलर भाई जो बोल रहे थे कानून को मानने की बात, तो मानने में हम आपको बता दें कितने भी नियम कानून ऐसे आ चुके हैं जिसको कई टीवी डिबेट में भी दिखाया जा चुका है, न्यूज चैनल में भी चल चुका है कि आप लोग ही मान लेते हैं नियम से, हम तो अगर किसी चीज का विरोध होता है तो न्यायालय जाते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से उसको करते हैं, लेकिन आज में उसको उग्रता से लाया जाता है, तो आप किस नियम कानून को मानने की बात करते हैं? पहले खुद फिर कहें अपनी आस्था के लिए अगर हम किसी चीज को कह रहे हैं न्यायालय के द्वारा, तो वहां कौन सा नियम कानून को फॉलो नहीं कर रहे। दूसरा, जो ये मुद्दे बहुत देर से उठाए जा रहे हैं कि भाजपा कर रही है, भाजपा का प्रायोजित है, तो आपको मान्यवर बता दूं जिस तरह बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ उस समय भी भाजपा सरकार थी, और भाजपा को अगर सिर्फ और सिर्फ धर्म के और आस्था के नाम पे जिताया जाता तो भाजपा को होना चाहिए था, लेकिन कितने वर्षों तक भाजपा सत्ता से बाहर रही। तो अगर हम जो जनता है अगर सिर्फ आस्था के नाम पे भी ये हिंदुत्व के लिए करते हैं तो हम इनका साथ दे रहे हैं, तो हम उसी समय जिता रहे होते, और रही भाजपा की बात तो भाजपा को भी हम ये नहीं मान सकते कि वो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही, वो तो दोनों के लिए कार्य करती थी रही है, अगर हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही होती तो 2014 से केंद्र में की सरकार है, तो ये जो है उस कानून में कोई ना कोई अमेंडमेंट कर लेते प्लान होता तो, लेकिन ऐसा दोनों नहीं किया। जब हमने न्यायालय का रुख किया तब इन्होंने उसका संज्ञान लेकर अपने जो बात कही जो प्रवक्ता कह रहा है शायद उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहा हूँ, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन ये मुद्दे सिर्फ इसलिए उठाए गए क्योंकि हमारा एक मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा जो अभी कुछ समय पहले हल हो गया न्यायालय द्वारा, तो बाकी के मुद्दों को उठाने के लिए हमने न्यायालय को रुख किया, ना कि इसमें किसी भी पार्टी को सहयोग है, किसी को उसमें ये नहीं मानते कि कोई हमारे सहयोग कर रहा। ठीक है विकास भाई, हाँ त्रिपाठी जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि हम लोग व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहे हैं। देखिए व्यवहारिक पक्ष में कोई मंदिर कहेगा, कोई मस्जिद कहेगा, इससे काम नहीं चलने वाला। टाइटल सूट 1937 में डिसाइड हो चुका है कि जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। दीन मोहम्मद का केस आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, साबरी साहब सुनिएगा, आऊंगा इसके बाद आपके। और 1936 में
जब हम गुलाम थे तो ब्रिटिश सरकार ने बकायदे हल्फनामा दिया है और उसमें लिखा हुआ नक्शा नजीर के साथ भी दिया हुआ है। हाँ, ये जरूर उसमें है। उसमें एक चीज जरूर है कि यहां पर मस्जिद है, लेकिन इस यह मस्जिद की पूरी जमीन ब्यास की है, यह आदेश है। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हैं, देखिए वर्शिप एक्ट की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष बहुत बेहतर तरीके से कोर्ट में गया है कि सेवन रूल इलेवन पे हमारे साथ में बहस कर लिया जाए। अब अगर आप ये कहेंगे कि टाइटी सूट पे बात भी होगी, अगर हिंदू पक्ष ये कहेगा कि टाइटी सूट पे और आप कहेंगे कि सेवन रूल इलेवन पर, कोर्ट इस बात को समझती है कि हिंदू पक्ष कहेगा कि इस हाई कोर्ट का आदेश है, उस पर हाई कोर्ट ने डिसाइड किया टाइटल, और जब टाइटल डिसाइड हो गया है तो चाहे आप वर्शिप एक्ट की बात कर लें या सेवन रूल इलेवन की बात कर लें, हर हाल में टाइटल पर ही बात होगी। जो बात अभी आपने कहा, बहुत हल्के में आपने बात को कहा, देखिए मकान मालिक तो निश्चित तौर से वहां पर ब्यास ही है और किराएदार ही है आप, ये कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पहले कह दिया है। और राष्ट्र की बात आपने कहा कि देश की कुर्बानी में, देश की आजादी में आपकी भूमिका पर कोई संदेह नहीं है। देश की आजादी में मुस्लिम समाज की द्वारा किए हुए, ठीक है, शीर्ष कार्यों का समाज, जो भी बौद्धिक लोग हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन महोदय उसके एवज में आपको एक राष्ट्र दिया गया, वहां आप नहीं गए, और यहां का समाज बहुसंख्यक हिंदू आपको एक्सेप्ट किया, उसमें भी आप जैसे लोग मानसिकता थी वो एक्सेप्ट किया कि आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वह आज के डेट में अगर जिंदा रहते तो दीवार से सर को लड़ाते हो कि कहां से कहां रोक दिया इनको। माय चॉइस नहीं था, बंटवारा धार्मिक है, वही तो बता रहे ना, धर्म के आधार पे बंटवारा था, मुसलमान उधर हिंदू इधर, आपकी सारी बुनियाद रखी है झूठ पर ही आधारित है। देखिए कोई भी बंटवारा धार्मिक था, वो अगर बंटवारा धार्मिक नहीं था, कोई धार्मिक नहीं था, राजनीतिक था, बंटवारा अगर धार्मिक नहीं था तो बटा देश क्यों, मुद्दा भी राजनीतिक था, बंटवारा धार्मिक था, राजनीतिक है, ठीक है, कोई धार्मिक नहीं है, चॉइस वॉइस तो सब खेल है, कोई चॉइस नहीं था। इसको धर्म से हटा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी कोई चॉइस नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी से बात कीजिए, यहाँ है ये आ रहा चौबे जी आ रहा। देखिए मैं तो सिंपल बात कहता हूँ चौबे जी, जो बात कही गई कि 1936 से लेके 37 तक हाई कोर्ट तक टाइटल सूट हो गया डिसाइड, ठीक है, तो आप चाहे वहां पे कोर्ट में जितनी जिस लेवल की बहस कर लें, सेवन रूल इलेवन को खारिज होना है, ठीक है। साबरी साहब, नितिन जी आपने मुझे समय देने की बात कही थी, जी जी बोलिए बोलिए। देखिए आ रहा हूँ ताहिर भाई, आ रहा हूँ इसके बाद आ रहा हूँ, कानून की बात कर रहे हैं, ताहिर भाई इसके बाद आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए, साबरी साहब को सुन लीजिए। 1885 में राम चबूतरे के लिए महंत रघुवरदास ने एप्लीकेशन डाली, मैटर यहाँ है, राम मंदिर जो है दिमाग से निकलता नहीं है, उसको खारिज कर दिया कि सामने मस्जिद है, कोर्ट इसकी इजाजत नहीं दे सकती कि आपसी इत्तेहाद खराब होगा, हिंदू मुस्लिम खुरेजी होगी, इसलिए कोर्ट इजाजत नहीं देती। रघुवरदास जी 1886 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, उन्होंने भी उसको पूर्व फैसले को सुरक्षित रखा और कहा कि नहीं, जो फैसला एडिशनल जज का था वही मेरा फैसला है, कोर्ट इसका इजाजत नहीं देगी। विवाद राम चबूतरे का था, बाबरी मस्जिद का नाम नहीं था, लेकिन ये 500 साल का झगड़ा कह कह के झूठ बोल बोल के आते रहे, और जैसे ही देश आजाद हुआ एक राजनीतिक षडयंत्र के तहत 1949 में उसमें मूर्तियां रख दी गई, श्री राम जी को उसमें जन्म दिलवा दिया गया। ठीक इसी तरह ज्ञान बापी का मुद्दा है कि वर्षों से चला आ रहा था, कहीं कोई मसला नहीं था। एक बात का जवाब आप दे दें, 2005 में इस देश में, सुन लीजिए, इस देश में आप क्या बाहर से सेवा कर रहे थे, कहां सेवा कर रहे हैं, सुनना पसंद करिए, देश को लूटने आए थे ना, यही तो कमी, आप सुनना पसंद नहीं करते, सुनना आपकी बात कहना जानते हैं, सेवा कर रहे आए थे आप, यहाँ पर सच इतना कड़वा होता आपको चुप जाता है, इस देश को लूटने आए थे आप, अरे सुनिए तो सही, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप झूठ की पराकाष्ठा करते हैं, आप लोगों ने झूठ में पेशी कर रखी है, सामने वाले को बोलने देना नहीं चाहते हैं। बोलिए सर, बोलिए बोलिए, मुद्दे पर जी, भारत में सेवा करने आए थे आप,
आपके पूर्वज यही मामला नितिन भाई ज्ञान वापी का है। 2005 में माननीय मुलायम सिंह जी ने एक दिन की इनको पूजा करने की इजाजत दी साल में, अब ये 365 दिन करना चाहते हैं। उसके बाद अब इन्हें वहाँ डमरू भी मिल गए, स्वास्तिक चिन्ह भी मिल गया और शिवलिंग भी मिल गया। मैं क्या मजाक बना रखा है नितिन जी? अरे मजाक हम लोग ने नहीं बनाया, कोर्ट कमिश्नर उन्होंने कहा एक दिन का आदेश वर्शिप एक्ट समाप्त। अरे पहली बात तो नितिन जी हम उसी दिन खत्म हो गया, ये की एप्लीकेशन कोर्ट ने स्वीकार की, खत्म हो गया। दूसरा संवैधानिक ये साबित हो गया कि हिंदू मंदिर है, कोई बात लीक नहीं होगी तो ये बाहर बात कैसे आ गई कि वहाँ शिवलिंग मिला, वहाँ डमरू मिले, वहाँ मूर्तियां मिली, ठीक है तो प्रश्न चिन्ह लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है ठीक है साबरी साहब, ठीक है। शेख ताहिर सिद्दीकी कुछ बोल रहे हैं, चौबे जी आ रहा हूँ इसके बाद। हाँ ताहिर भाई जल्दी से बोलिए। राजेंद्र भाई ने एक बात अभी कही कि उन्होंने कहा कि जो है अगर ये धर्म के नाम पर बंटवारा ना हुआ होता पहले की इजाजत दी गई तो गजेंद्र भाई के पास तो चॉइस भी नहीं थी। तो आप ये बताइए चॉइस वाले व्यक्ति की ज्यादा अहमियत है कि जो है ये बाई चांस वाले की ज्यादा? जिसका मैं बता दूं, जिसका ये मकान है, गजेंद्र भाई जिसका मकान है उसको चॉइस नहीं करना है, वो अपने घर में बैठा है, सुनना पसंद करता है। ये सदियों से हमारा देश है, गजेंद्र भाई सदियों से भाजपा से, गजेंद्र जी बहुत सदियों से है यहाँ। अरे सदियों से चॉइस आपको करना है, इनके अंदर एक कमी बहुत की जहाँ से आए थे वहाँ जाना है, नरेंद्र मोदी जो है बांट दिया गया वहाँ रहना है, और पाकिस्तान दिया गया था जाने के लिए। ठीक है ये सुनिए पहले बात, ठीक है त्रिपाठी त्रिपाठी सुन लीजिए, सुन लीजिए त्रिपाठी जी बात तो सुन लीजिए पहले जी, बोले आप। आपको मैं बता दूं, जैसे इन्होंने कहा धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, आपको यहाँ रहने की इजाजत दी गई, तो आप ये बताइए धर्म के नाम पर कोई बंटवारा हुआ ही नहीं था ये साबित कर दे, या सत्ता का मामला था जिन्ना आप प्रधानमंत्री बनना चाहते थे उसने कहा जैसे जो भी मामला हुए। सुनिए पहले हमारे पास तो चॉइस था ना, आपके पास तो चॉइस नहीं था, चैलेंज देता हूँ, कौन सा कोर्ट से बात है? किराएदार मुसलमान ठीक है, हो गया भाई आप लोगों का हो गया, दिखा कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जिंदा वाले आप बड़े हो क्या? करिए हम लोग डरने वालों में से लोग नहीं, नहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक, डरा रहा है क्या कोई? ठीक है चौबे जी बोलिए जल्दी से, फिर मैं संभाल के पूछूंगा। हां चौबे जी, नहीं इतनी देर से हम ये देख रहे हैं हर बात पर जो है भाजपा भाजपा भाजपा, पता नहीं कुछ ऐसा लगा पता नहीं इनको नींद भी नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं इनको नींद भी आती होगी कि नहीं, ये सपने में सोते वक्त भी भाजपा 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 भाजपा। अरे भाई आप ये बताइए, हमारे सुनिए हमारे सुनिए, सोते में भी औरंगजेब बाबा अब देख लीजिए, अब आपकी मानसिकता हमारी मानसिकता में अंतर देखिए कि हम आपकी बातों को धैर्य पूर्वक नहीं, हम आपकी बातें धैर्य पूर्वक सुन रहे थे, आप अपनी सुन लीजिए फिर वही बात। अरे आप अपनी मानसिकता को देखिए कि आप, मैं आपकी बातों को धैर्य से सुन रहा था, बीच में बोला नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा कर रहा था, लेकिन आपकी मानसिकता देखिए आप कितने बेचैन हैं, कितने आपको भाजपा जो रात दिन लगता है भाजपा सो नहीं पाते होंगे आप, भाजपा 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 करते होंगे, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए सुन लीजिए, अरे औरंगजेब तो लुटेरा था क्रांता था, इस देश में हिंदुओं का अत्याचार था, अब रुकिए बात सुन लीजिए, अब बार बार ताहिर भाई प्लीज, ताहिर भाई प्लीज सुन लीजिए, प्लीज 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 सुन लीजिए चौबे जी को, सुन लीजिए चौबे जी साबरी साहब सुन लीजिए चौबे जी को, फिर बोलता हूँ। हाँ बोलिए चौबे जी, ये बताइए क्या ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कांग्रेस ये कहे कि हमको जो है शिव की पूजा करने वाले, हमको जो है श्री रामचंद्र जी की पूजा करने वाले, हमको जो है श्री कृष्ण की पूजा करने वाले अथवा हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग हमको वोट नहीं देते हैं, वो हमारे लोग नहीं हैं, क्या ये कहेंगे? भाजपा के लोग को जो कहते हैं कि वो लोग भाजपा के हैं, तो क्या ये कहेंगे कि जो शिव जी की पूजा कृष्ण जी की पूजा श्री रामचंद्र जी की पूजा करने वाले जो भी लोग हैं वो सब भाजपा के लोग हैं, और हमको इनकी पूजा करने वाले लोग हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हमको वोट नहीं देते हैं? तो आज अगर ये कह देते हैं कि हाँ नहीं देते हैं तो हम मान लेते हैं, हम आज इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन इस तरह ये उनको भी गाली दे रहे हैं जो हिंदू भाई जो इनको वोट देते हैं, जो हिंदू भाई इनको वोट देते हैं और शिव जी के वो भक्त हैं, श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, या हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, टीका लगाने वाले लोग हैं, कलवा बांधने वाले लोग हैं,
वो इनको वोट नहीं देते हैं। और यदि भाई वो सुन लो मेरे भाई हो, यदि आप लोग इनको वोट देते हो तो जो लोग अभी ये बात कह रहे थे आप इनसे सवाल जरूर वोट के समय पूछना और कहना कि तुम लोग तो हमको भाजपा का बार बार बोलते हो, हम शिव जी को अगर मानते हैं, हम श्री राम जी को मानते हैं, तो भाइयों सुन लो, जनता देख रही है, देख लो जनता ये क्या कह रहे हैं। ठीक है मैं समझ गया। यही तो अराजकता है, यही अराजकता है। आप धर्म के नाम पे ही वोट बटोरते चले आ रहे हैं। ठीक है साबरी साहब, मैं समझ। बधाई हो चौबे जी, आपने तो फैसला ही कर दिया 80-20 का। आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी यही है कि ज्ञान व्यापी चलता रहे, मंदिर मस्जिद चलता रहे, और फैसला भी आपने कर दिया 80-20 का। किसी एक इंसान के कह देने से आप शिव भक्तों तक पहुंच जाते हैं। शिव भक्त से आपका क्या लेना देना? आप एक राजनीतिक पार्टी, आप राजनीति करिए, मना कर रहा है कोई क्या? अब खुलेआम करिए, डंके की चोट पर करिए। कमाल कर दिया आपने भी चौबे जी, के मतलब आप शिव भक्तों को ले आ रहे हैं, मंदिर को ले आ रहे हैं। आप कब तक राम जी के नाम पर और शिव जी के नाम पर, शिव जी का अगर तांडव शुरू हो गया तो आप कहीं दिखेंगे नहीं। देखिए हर चीज का एक अंत होता है। देख रहे थे अभी आप कितनी गर्मी थी मौसम में, एक झटके में मौसम बदल गया। देखिए वो राजनीति करिए जो सदैव चले और दिलों पे राज करे, देश पे राज ना करे। 80-20 को बांटने की बात ना करिए, हिंदू मुसलमान को बांटने की बात ना करिए। यहाँ सब प्यार से रहने आए हैं और रहते हैं और रहते रहेंगे एक दूसरे के साथ जीने और मरने तक। ना हिंदू मुसलमान के बगैर रह सकता है, ना मुसलमान हिंदू के बगैर रह सकता है। देश के हालात आप देख रहे हैं इस वक्त क्या है, क्या हालात हो चुके हैं देश के। देश की महंगाई, देश की शिक्षा, देश की पढ़ाई, उन सब से भी तो किसी को सरोकार होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप भी यही करने बैठ जाएंगे तो हम फिर गरीब किसके पास जाएंगे, किससे रोएंगे? पाकिस्तान से मदद मांगेंगे? और गजेंद्र जी ने जो बात कही कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, मान लिया, हम मानते हैं, ये मेरा अपना व्यक्तित्व है, इसको पार्टी से ना जोड़ा जाए और यहाँ बैठे किसी सज्जन से ना जोड़ा जाए। हम मानते हैं कि धर्म के आधार था, तो गजेंद्र जी हमने तो आपका साथ दिया। अगर हम बंटवारे के आधार पर चले गए होते तो पंजाब आपके पास ना होता, हैदराबाद आपके पास ना होता। आपको मालूम है कि भारत का कितना हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता, तो फिर आप आबादी के हिसाब से ही तो विभाजन करते, तो आज हिंदू और मुसलमान बराबर होता। और वो जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकवादी हैं, जिनका कोई मजहब नहीं, वो किसी धर्म में भी हो, वो हिंदू में हो मुसलमान में हो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, तो वो भारत को कहीं ना कहीं छेदने का काम करते और हो सकता हो वो ताकतवर हो जाते। लिहाजा हमने आपके साथ रहना चुना और हमने उस हिंदू के साथ रहना चुना था कि जो हाथ जोड़ता था। मैंने उस हिंदू के साथ रहना नहीं सीखा कि जो बदल गया मौके को देख करके, वो फिरका परस्त हो गया। ठीक है, और आस्था और है, कट्टरपंथी और है। देश को चलाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, देखिए हम आपको एक चीज बता दें चौबे जी, मजहब और राजनीति अगर इसका आपने समागम कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी देश के अंदर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी ठीक है। चौबे जी कुछ कहना है अपने धर्म निभाने का। और एक बात और नितिन जी, जल्दी से। चौबे जी ने वो बात का मेरे जवाब नहीं दिया कि जो उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाने वाली बात कही थी, वो बात अधूरी रही। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ चौबे जी। नहीं देखिए, हमने जो भी शब्द कहा अभी थोड़ी देर पहले, वो हमने नहीं कहा था। ये बार बार जब ये लोग यही लोग बोलते हैं, अरे बताइए जो वहां पे गए हैं कि भाजपा का कौन नेता गया है, भाजपा का कौन मंत्री गया है न्यायालय में, वो भक्त गए हैं। और ये भक्तों को बार बार कहते हैं कि भाजपा कराती है, ये भाजपा आप बड़े मतलब हैं, आप बड़कपन दिखाइए, आप दिल बड़ा रखिए। छोटे तो लोग अगर ये बात कर रहे हैं तो आप उनकी बात को इग्नोर करिए, क्योंकि आपके पास 30 करोड़ मुसलमान है। अगर मीसम जैदी और आपके साबरी जी और आपके ताहिर जी, ये तीन ही मुसलमान नहीं है देश के अंदर जो ये कह दें तो आप नाराज हो जाइए। 30 करोड़ मुसलमान आपके साथ भी है, भाजपा को भी वोट देता है। 3 तलाक वाला आपने हल कराया मुसलमानों के लिए, कितनी अच्छी सोच करी आपने, आपकी पार्टी ने कितना बढ़िया काम किया आपने, मुसलमानों ने आपको वोट दिया, तो वो काम करिए कि मिलजुल करके चले एक पार्टी, धर्म संसद ना चले, हेट स्पीच ना चले। जी नितिन जी, देखिए हमारी जो पार्टी कहती है वो करती भी। हमने कहा, मेरी पार्टी ने कहा, सबका साथ सबका विकास। उज्ज्वला देखिए अगर मिला तो क्या उसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई या जैन का बंटवारा किया गया, या फिर
ब्राह्मण देखा गया, दलित देखा गया, यादव देखा गया, या फिर जो है मतलब ये देखा गया, जो देखा कहाँ देखा गया, उसमें देखा गया जो गरीब था, जिसके घरों में जो है आजादी के बाद से शौचालय नहीं थे। इस घर में 2014 से पहले जानते भारतवर्ष में मात्र 45% शौचालय थे, आज भारतवर्ष में 95% शौचालय। गौरव जी उसकी जरूरत ही नहीं थी शौचालय की, देश में इतना बड़ा देश है, इतने खेत है, शौचालय की जरूरत ही नहीं थी। मेन काम फोकस करिए शिक्षा पर और हेल्थ पर। जय जय दीजिए, हम आपके जी जय दीजिए जी। हमने 40 करोड़ जनधन खाते खोले, उसमें उस 40 करोड़ में बंटवारा नहीं किया था, ना जात के आधार पे, ना धर्म के आधार पर, ना क्षेत्र के आधार पर। और सुनिए उस जनधन का कितना इन लोगों ने मजाक उड़ाया था, कितना मजाक उड़ाया था। आपको पता है कोरोना काल में वही जनधन खाता कितना काम आया, जब लोगों के बीचों में जो उनके खाते में पैसे गए, जो डायरेक्ट गए, और सुनिए उस उन खातों में ये नहीं कि एक रुपया केंद्र से जाता है तो मात्र 15 पैसा जाता है, ये नहीं, एक रुपया अगर केंद्र से गया तो एक रुपया गया। ठीक है, और सुनिए लोगों को, जी मैं जवाब दे दूं, लोगों को बिल्कुल सही कह रहे, 1000 रुपए गए थे, अगर बैंक मैनेजर कह रहा था पहले 500 डालो तो 1000 मिलेंगे, तो अब 500 कर दिए। प्लीज और बंटवारा कौन करता है, बंटवारा कौन करता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है चौबीस त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं। हां त्रिपाठी जी जल्दी से फिर साबरी भाई के पास चलेंगे जी। उन्होंने कहा कि हम उन हिंदुओं के साथ रहे जो हिंदू हमको हाथ जोड़ता था, गले लगाता था, मिलता था। सर जल्दी से थोड़ा, निश्चित तौर से हम लोग भी उन्हीं मुसलमानों को रोकने का प्रयास किए जो कट्टरपंथी नहीं थे, और आज जो लोग हिंदू व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाते हैं वो कट्टरपंथी हैं। मंदिर की बात है, आप अगर अपने आप पे खुद सोचेंगे तो भगवान शिव का वह मंदिर अनादिकाल से है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह। भगवान श्री का मंदिर 5000 साल से है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह। आप खुद सोचिए कि अगर आप निश्चित तौर से आप चाहते, अगर आप कट्टरपंथी नहीं हैं, अगर आप कुरान को ही मानते हैं और कुरान ही जीते हैं और मुसलमान हैं, मुसल्लम ईमान है अगर आपका, तो आप कल के बाद ये मैटर उठाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, साबरी साहब जल्दी से पूरा कीजिए फिर मैं आगे चलूंगा। गणेश जी ने कहा अभी अभी कि एक जुमला कहा था उन्होंने, एक शब्द कहा था कट्टरता का। तो नितिन जी यकीन जानिए मैं दिल से कट्टर हिंदुओं को पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से कट्टर हिंदुओं में पला बड़ा हूँ। लेकिन हाँ, सांप्रदायिक तत्वों से मुझे बहुत नफरत है, और ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं इसलिए मुझे इनसे नफरत है। बाकी कट्टर हिंदू मेरा बहुत प्रिय है, क्योंकि कट्टर होगा तो देश हित के लिए बात करेगा, कट्टर होगा समाज हित की बात करेगा, कट्टर होगा धर्म हित की बात करेगा, और सांप्रदायिक होगा तो अराजकता फैलाएगा, वैनमस्ता फैलाएगा। और जो चल रहा है, देखिए नितिन जी बहुत साफ सी बात है, कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमानों ने इस देश को बचाया है, सांप्रदायिक मुसलमानों ने भी वैनमस्ता फैलाई है, अराजकता फैलाई है, और सांप्रदायिक दोनों ने फैलाई है। और जिस कानून और उसकी बात कर रहे न्यायालय की, हम भी चाहते हैं कि न्याय। अच्छा ये बताइए नितिन जी, आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं, इस देश के अंदर कौन सा ऐसा कानून है जो मुसलमानों ने नहीं माना, या कौन सा ऐसा अदालत का फैसला आया जिस पर मुसलमानों ने नहीं माना? इन्होंने हमेशा आस्था की बात करी और आज भी आस्था की बात कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है अराजकता का, तो यकीन जानिए कहीं ना कहीं सरकार की पुष्प बनाई रहती है। त्रिपाठी जी कह रहे सीएनआरसी वाला कुछ मामला हुआ था एक बार, ये खुलेआम सूची, नितिन जी ये खुलेआम सूची लिए घूम रहे हैं कि हम कुतुब मीनार लेंगे, हम ताजमहल लेंगे। नहीं त्रिपाठी जी कह रहे सीएनआरसी वाला कुछ हुआ था, वो नहीं माना आपने, वो कानून का थोड़ी था, वो तो सरकार ने फैसला दिया था, सरकार बुला रही थी। अगर अदालत से ये फैसला आया होता, यकीन जानिए इस पर भी मुसलमान सर झुका के कबूल कर लेता। अदालत से ऊपर, अदालत से ऊपर देश का पार्लियामेंट होता है महोदय, वहाँ कानून बनता है, इम्प्लीमेंट वहाँ होता है। तो फिर अरे कौन से दुनिया से आप लोग आते हैं, यही सोच के परेशान आते हैं, कौन से दुनिया से आप लोग आते हैं, वो सदन के अंदर कौन से दुनिया से आते हैं आप लोग, कहाँ से पढ़ के आते हैं? अभी आपने कहा कि कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, ठीक है। अरे मैं तो ये बात करता हूँ, समय कम है, समय कम है, मुसलमान की बात कीजिए, समय कम है, समय कम है भाई, समय कम है, बात कीजिए, मुसलमान ईमान नहीं है तो मुसलमान नहीं है। ठीक है प्लीज प्लीज, ठीक है ताहिर भाई, ठीक है साबरी साहब, साबरी साहब, साबरी साहब, ठीक है ठीक है ताहिर भाई, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है ताहिर भाई जल्दी से, भाई से कह दूं कि आप हिंदू नहीं है तो क्या बात करते हैं। हिंदू की परिभाषा है, हम मंदिर जाए तो, न जाए तो,
हम हिंदू हैं, हम पूजा करें तो ना करें तो हम हिंदू हैं। आपके यहाँ इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज लेकर मुसलमान के लिए कही गई, मुसल्लम ईमान, मुसल्लम ईमान का मतलब रग्गा रग्गा रोवा रोवा तक ईमानदारी है, वो आदमी मुसलमान है। इतना बड़ा परिभाषा के बावजूद भी दुनिया भर का झूठ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है साबरी साहब, क्या है दुनिया भर का झूठ दिन भर बोलते हैं आप लोग। ठीक है साबरी साहब, ठीक है ताहिर भाई जल्दी से पूरा कीजिए फिर मैं आगे चलूं। गजेंद्र त्रिपाठी साहब, मैंने अभी मानसिकता को मैं बराबर छोटा भाई हूं भाई, ये सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे झूठ बोलते हो तुम लोग, झूठ बोलते हो तुम लोग। मैंने बात किया कि मुसल्लम ईमान वही है, अगर आप झूठ बोलते हैं तो ईमान नहीं रहा। क्या जाने भाई, अगर आप दीन पे नहीं है तो मुसलमान नहीं है, आप दीन पे है तो मुसलमान है। नितिन जी, गजेंद्र जी जो बात कह रहे हैं तो आप ही के तो नेता कहते हैं कि हम हिंदू ही थे, हम कलवट होकर के आए तो मुसलमान कहाँ से हो जाएंगे। हम कहाँ कहते हैं मैं किसी राजनीतिक दल का नेता नहीं हूँ। देखिए भारत समाज में कड़कड़ में मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने जहाँ तक लेकर मैंने कहा, मिश्रा भाई जल्दी पूरा कीजिए, मिश्रा जी के पास। देखिए ठीक है ताहिर भाई, आ गई बात, आ गई ताहिर भाई बात आ गई। ये कह रहा हूँ ठीक है ताहिर भाई, दुश्मनी क्यों रखते हैं? ठीक है ताहिर भाई, कोई दुश्मनी नहीं रखी है। ठीक है त्रिपाठी जी, प्लीज 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 प्लीज, समय कम है, बहुत कम है। यहाँ पर गजेंद्र जी से और हमारे जो भाजपा के नेता हैं, मैं उनसे एक कदम आगे बढ़ के बात करता हूँ। भारतवर्ष में कड़कड़ में भगवान है, जहाँ खुदाई करो कि आप वहां मिल जाएंगे। तो क्या चाह रहे हो आप, पूरा देश खाली करके आसमान पे टंग जाए, बाकी कहो कहाँ जाएगी? जब 91 में वर्शिप एक्ट बन गया तो सबको जीने खाने दीजिए, पूजा करने दीजिए, शिव जी ना तो बड़े हो जाएंगे ना छोटे हो जाएंगे। अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद आपने ले ली तो शिव जी बहुत महान विशाल नहीं हो जाएंगे, और अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद में थोड़े से मुसलमान अपनी इबादत कर रहे हो बड़ा दिल करके छोड़ दो तो शिव जी छोटे नहीं हो जाएंगे। आप अपने लिए छीनना चाह रहे हो, ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, दाम बढ़ाने के लिए, रुपया कमाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, या शिव जी की भक्ति की बात कर रहे हो? अरे भाई साहब, कड़कड़ में ईश्वर है, जहाँ बैठो वहाँ ओम नमः शिवाय। चौबे जी 10 सेकंड, हो गई आराधना, हो गई पूजा। अरे मैं यहाँ मंदिर बना दूं, हो गया मैं यहाँ मंदिर बना दूं, हो गया 10 सेकंड प्लीज चौबे जी। देखिए इन्होंने क्या कहा, 10 सेकंड जल्दी से। हाँ 10 सेकंड, मिश्रा जी का बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। अभी इन्होंने कहा कि जो है शिव जी कणकण में है, हर हर जगह पर है, ठीक, वो कहीं पर भी। तो ये बताइए, ये बाबर को लेकर इतना बेचैन क्यों रहते? बाबरी जानते हुए भी ना, हम लोग तो शुरू से ही सब जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या जी में हुआ था, अयोध्या जी में हुआ था, अयोध्या जी में जन्मे थे। इसके बावजूद भी हम लोगों को न्यायालय का इंतजार करना पड़ा, न्यायालय का इंतजार करना पड़ा। और बाबर जानते हुए कि लुटेरा था वो, चंगेज खान के उसमें था, वो लुटेर तैमूर लंग के जो है वंश से था, जो लुटने यहाँ पे आए थे, जो खून खराबा करने आए थे, उन लोगों के पक्ष में जब उनके प्रति इनकी इतनी आस्था हो सकती है तो हमारे शिवजी के प्रति क्यों नहीं हो सकती है? ठीक है ठीक है ठीक है, शिवजी के पक्ष में क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है सर, ठीक है ठीक है। मिश्रा जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद, टाइम देने के लिए बड़े देर से इंतजार कर रहा था। हाँ, जैसा कि मुस्लिम उस तरह अभी बोल रहे थे कि अभी श्री राम जी के ऊपर कह रहे थे, अभी पास्टर प्रवक्ता ने बोला तो बोले 1991 से पैदा हुए। भाई साहब, आपका इतिहास भारत का सिर्फ 400 साल का है, लेकिन भारत का इतिहास उसके पहले का है, और श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, उसमें स्पष्ट लिखा है। 1400 साल तो बोलो ने हुकूमत करी है, हिंदुओं सम्मान जहाँ तक मेरी जानकारी है भाई साहब, आप 400 साल बता रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुओं के लिए राम जी के सब विषय रखते हैं, पहली बात। दूसरा, मिशन जी ने अभी यहाँ बोला कर में शिव जी है, तो आप जो है कहीं पे बैठे पूजा कर ले, मानवर आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमको पता है, विदित है हमको, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे मंदिर थे वो हम बड़ा हक दिल करके आपको दान करते हैं कि आपने मस्जिद पर मस्जिद बना ली। कल तो आप मेरे घर पर मस्जिद बना ले, फिर आप कहें कि भाई पूरा भारत भी तो आपका है, आप महाराणा मैं यहाँ रहूंगा, ये कोई तथ्य नहीं होता है मिशन जी, ठीक है। दूसरा, अभी जो कह रहे थे मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे कि इन्होंने इनको साल में एक बार मौका मिला तो ये भाई साहब हम आपके दिल में मस्जिद बना लेंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे घर छोड़िए, हम आपके दिल में मस्जिद बना देंगे, आप मेरे दिल में मंदिर बना दो। अरे मिश्रा जी आप कैसी बात कर रहे हो, आप प्रवक्ता थोड़ी हो, अरे आप प्रवक्ता थोड़ी हो, आप तो सनातन महासभा के मुझे लगता है कोई पुजारी और कोई ऋषि मुनि मालूम पड़ते हो आप। आप तो मेरे दिल में मंदिर बना लो, मैं आपके दिल में मंदिर बना लूंगा, कैसी बातें कर रहे हैं आप?
हिंदुओं की आस्था को आप पैसे इस तरीके से कर सकते हैं? अरे भाई साहब, मेरे दिल में मंदिर बना लो आप। आज चुप रहिए, मुझे उनका जवाब देना है, आज चुप रहिए। अभी आप जो कह रहे थे कि हिंदुओं को जो है एक बार मौका मिला वो साल में पूरा रोज चाहते हैं, तो मान्यवर आप भी वहां पे रोज नमाज पढ़ रहे हैं, आपको छोड़ देनी चाहिए। आपकी आस्था का विषय है, आपको नमाज करनी है। अच्छा ये बताइए, शिव जी ने क्यों नहीं रोका नमाज पढ़ने से? शिव जी को भी पता है कि ईश्वर की आराधना हो रही है। समय बहुत कम है भाई, समय बहुत कम है। इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है और अब 26 तारीख को यह पता चलेगा कि आखिर अब सरकार की तरफ, माफ कीजिएगा, कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, आखिर इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से सुनवाई की जाएगी, जिन चीजों का हवाला दिया गया है या जो साक्ष्य बटोरे गए हैं उनके आधार पर कौन से कमिटी दाखिल किए जाएंगे। फिलहाल सभी को उस वक्त का इंतजार है। आज के डिबेट में मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।